हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के अपने सेशन में हम लोग एसपी बख्शी की वोकैब सीरीज नहीं डिस्कस करेंगे और ना ही ग्रामर के कोई रूल्स पढ़ेंगे। आज के अपने सेशन में हम लोग लाइफ के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रूल्स मैंने कहीं पे पढ़े थे और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो तभी मैंने सोचा था कि मैं इन रूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि होता क्या है, जितनी भी अच्छी बातें या अच्छे रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है वो हमें पता नहीं होते हैं, वो हम सबको पता होते हैं, बट हम उन्हें अपनी लाइफ में उतार नहीं पाते हैं। बस हमने पढ़ लिया और फिर ऐसा हो जाता है, अपनी डेली लाइफ चलती रहती है। इन्हें मैं लगभग 1-2 साल से फॉलो कर रही हूँ और प्रैक्टिकली मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए इन्हें फॉलो करने के बाद। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इन्हें डिस्कस करती हूँ। जो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रही, मुझे जिसका फ़ायदा हुआ, तो आपको भी वो चीज़ पता होनी चाहिए। रूल नंबर 1 है हमारा, मेक पीस विद योर पास्ट सो दैट इट वोंट डिस्टर्ब योर प्रेजेंट। लाइफ में हम सबके साथ हमारे पास्ट में कुछ ना कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइफ में हमेशा सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता हो। बुरे एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं। उन बुरे एक्सपीरियंसेस को आपको अपना प्रेजेंट इफेक्ट करने नहीं देना है। जो कुछ था वो पहले था, पिछला था, आप उसे वहीं का वहीं भूल जाइए और प्रेजेंट में अच्छे से रहिए। रूल नंबर 2 है हमारा, व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तक आप अच्छे हैं, आप ठीक हैं, आप खुद से किसी के साथ बुरा मत कीजिए और उसके अलावा कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है उस पर आपको कोई जोर नहीं। आप कितना भी अच्छा कर लें, जिसको आपके लिए बुरा सोचना होगा तो वो सोचेगा ही। आप उसको सोच सोच के परेशान होते रहें कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो उससे सिर्फ आप अपने आप को दुखी करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब से आप दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि लाइफ का जो सबसे मेन उद्देश्य है वो है खुश रहना। रूल नंबर 3 है हमारा, टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, गिव इट टाइम। टाइम जो होता है ना, वो बड़े से बड़ा घाव भर देता है। कितना भी बुरा टाइम हो, वो धीरे धीरे बीत ही जाता है। तो हम सभी ने सुन रखा है कि वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता, तो आप टाइम दीजिए। वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाती हैं। सो टाइम हील्स एवरीथिंग, गिव इट टाइम। रूल नंबर 4 है हमारा, नो वन इज़ इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस एक्सेप्ट यू। आपकी खुशी का कोई भी और इंचार्ज नहीं हो सकता आपको छोड़ के। जब तक आप अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करेंगे, दूसरा आपके लिए क्या ही करेगा। आपको खुश रहने के प्रयास खुद करने हैं, अपनी खुशी आपको खुद ढूंढनी है। हर व्यक्ति अपनी जर्नी खुद ही चलता है, कोई दूसरा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप खुद अंदर से खुश नहीं रहना चाहेंगे, आपको कोई भी खुश नहीं रख सकता। आपकी खुशी आप पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा आपको खुश या दुखी कर सकता है। अगर आप खुश हों तो भी अपनी वजह से हों, और दुखी हों तो भी अपनी वजह से हों। किसी भी दूसरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत करने दीजिए। सो बी इन चार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। रूल नंबर 5 है हमारा, डोंट एवर कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स एंड डोंट जज देम। यू हैव नो आइडिया व्हाट दिस जर्नी इज ऑल अबाउट। आप कभी भी अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। सबकी लाइफ की अपनी अलग अलग जर्नी होती है। आप दूसरे को देख के ये नहीं सोच सकते कि देखो ये कितना लकी है, इसके साथ ये हो गया, इसे ये मिल गया, मैं तो कितना अनलकी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। आप उसकी जर्नी नहीं जानते। उसने अपने हिस्से की हार्डशिप्स, अपने हिस्से के कष्ट दुख सब झेले होंगे। जो हमें दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ जब कोई खुश होता है, कोई कुछ किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब हमें दिख रहा होता है। रूल नंबर 6 है हमारा, स्टॉप थिंकिंग टू मच। इट्स ऑल राइट नॉट टू नो द आंसर्स, They'll come to you when you least expect it. आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने प्रेजेंट को जीना है, ठीक है। लाइफ में प्रेजेंट में जो कुछ चल रहा हो, आप सिर्फ वही देख सकते हैं और उसे ही इंजॉय कीजिए। आगे क्या होने वाला है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के पीछे अगर आप भागते रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को इंजॉय नहीं कर पाएंगे और लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते। आगे जो कुछ होने वाला होगा वो टाइम के साथ साथ आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके लिए आप अभी से अगर परेशान रहें, अपने प्रेजेंट को ख़राब करें, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि स्माइल। यू डोंट ओन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। हंसिए, मुस्कुराइए, आप दुनिया की सारी समस्याओं को अपने ऊपर ढोके नहीं चल रहे हैं, इसलिए स्माइल कीजिए और खुश रहिए। जो ऊपर के जो भी 6 रूल्स थे उनका जो सार है वो यही है, खुश रहना। अगर आप ऊपर वाले 6 रूल्स को फॉलो करेंगे तो 7वां रूल अपने आप फॉलो हो जाएगा। आपको खुश रहना है, स्माइल करना है, क्योंकि आप दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ढोके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारे मैंने रूल्स बताए आपको, आप इन्हें लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इनसे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो चलिए, आप लोग खुश रहिए, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।